हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रोफेसर विनय मोरे। आई वेलकम टू ऑल इन डिजिटल एकलव्य इंजीनियरिंग। वी आर लर्निंग हीट ट्रांसफर एंड राइट नाउ वी आर स्टार्टेड मॉड्यूल नंबर 3 फिन्स एंड दिस इज द सेकंड वीडियो ऑन द सेम मॉड्यूल फिन्स। ओके, आई होप इसके पहले के वीडियोज आपने देखे होंगे। सो सेकेंड सेशन स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट वीडियो फिन्स का जरूर देखना। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक किया था और अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। सो अभी एक्चुअल न्यूमेरिकल स्टार्ट हो गई। यहाँ से लिटिल बिट थोड़े से लेंदी होते हैं, नॉट क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 7। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 फटाफट देख लेते हैं, वो भी सिंपल सा है न्यूमेरिकल। टर्बाइन ब्लेड ऑफ 60 mm लॉन्ग हैविंग अ क्रॉस सेक्शनल एरिया 4.65 सेंटीमीटर स्क्वायर and perimeter 12 cm is made up of stainless steel, K is equal to 25 watt per meter degree Kelvin. Temperature at the root is 500 degrees Celsius. Blade is exposed to the steam at 850 degrees Celsius. Heat transfer coefficient between blade and steam is 440 watt per meter square Kelvin. Determine the rate of heat flow at the root of the blade and the temperature at the blade tip which is insulated. So guys, यहाँ पे दिया गया एक turbine blade है जिसका length कितना है 60 mm, cross sectional area भी given है 4.65 centimeter square, perimeter भी दिया है 12 centimeter. ये किससे बना हुआ है? Stainless steel से. Steel का thermal conductivity कितना है? Watt, 25 watt per meter degree Kelvin. Temperature at the root of the blade, at the root मतलब ब्लेड का रूट कितना है? 500 डिग्री सेल्सियस। गॉट इट? ब्लेड इज एक्सपोज टू द सी। सो गाइस, यहाँ पे समझ के लो कि टरबाइन का जो ब्लेड है उसके रूट का मतलब उसके सोर्स का टेम्परेचर है 500 डिग्री सेल्सियस। और ये किसके साथ एक्सपोज में? एयर के साथ में क्या? नहीं, स्टीम के साथ में है। उसका टेम्परेचर है 850 डिग्री सेल्सियस। सो गाइस, यहाँ पे देखो कि सराउंडिंग का टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई है। सो यहाँ पे देखो, सराउंडिंग का 850 है और ब्लेड का रूट का 500 है, मतलब TA हियर, TA इज ग्रेटर देन TS। सो यहाँ पे हीट रिजेक्ट नहीं होगा, हीट एब्जॉर्ब होगा। बट फिर भी हम कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करेंगे, फिर भी हम ये पकड़ के चलेंगे कि हम सोर्स से टेम्परेचर कहाँ पे जाता है? सराउंडिंग में जाता है, क्योंकि फॉर्मूला में हम चेंजेस नहीं करेंगे। क्योंकि अगर मैं हीट ट्रांसफर रेट पॉजिटिव मिलता है तो मेरा assumption correct था, अगर मेरा heat transfer rate negative मिलता है, it means मेरा assumption wrong था, मतलब मेरा direction wrong था। Okay? Next क्या बोला है? heat transfer coefficient H दिया हुआ है 450। आपको क्या find out करना है? rate of the heat flow, Q find out करना है। Second temperature at the blade tip, which is insulated, मतलब finite length insulated tip का ये numerical है और आपको temperature find out करना है। एट टीप बोला हुआ है, सो यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना होगा? l होगा। ओके, सो न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया? एनी डाउट? सो फटाफट गिवन डेटा लिख लो, 60 mm कन्वर्जन कर लिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी गिवन था, पैरामीटर भी गिवन था, k भी दिया था, ts भी दिया था, ta भी दिया था, बट मैंने सोर्स मैंने ब्लेड को ही बोला और स्टीम का टेम्परेचर को मैंने ta ही बोला। ओके, h दिया था, आपको फाइंड आउट करना है एक हीट ट्रांसफर एट क्यू और दूसरा टेम्परेचर एट टिप। सो एक्स इज इक्वल टू एल। सबसे पहले क्या करोगे आप? एम अंडर रूट ऑफ एच पी के सी करके एम फाइंड आउट कर लो, फिर क्यू निकालना है। तो इंसुलेटेड टिप एंड फाइनाइट लेंथ, केस नंबर 2 का फॉर्मूला यूज करो, अंडर रूट ऑफ एच पी के सी टी एस माइनस टी ए टैन हाइपरबोलिक एम एल। सो सारी वैल्यू सबके पास है, बट यहाँ पे
अपना टीएस जो था विच वॉज लेस देन टीए, सो यहाँ पे मेरा आंसर निगेटिव आया. इट मीन्स निगेटिव साइन इंडिकेट्स हीट इज फ्लोइंग फ्रॉम, बच्चे ने स्टील लिखा हुआ है. इट्स अ रॉन्ग, स्टील नहीं है वो, क्या है, स्टीम है. ओके सो यहाँ पे करेक्शन है, डोंट राइट स्टीम, इट्स अ स्टीम. फाइन. नेक्स्ट मुझे टेम्परेचर निकालना है मिडवे पे, सो यहाँ पे x इज इक्वल टू एल पुट किया क्योंकि टेम्परेचर एट द टी बोला था. सो x इज इक्वल टू एल, सो टी पता है, टी आपको पूछा हुआ है, टी ए गिवन है, टी एस पता है, टी ए पता है, कॉस हाइपरबोलिक तो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, और m का वैल्यू पता है, l वैल्यू आपको पता है, सो यू विल गेट टी. गॉट इट? सो ये न्यूमेरिकल आसान था. सो अभी देखते हैं एक्चुअल न्यूमेरिकल्स. क्वेश्चन नंबर 7. तो सबसे पहले एक बार फॉर्मूलाज फटाफट देख लेते हैं क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स है. केस नंबर 4 पे थर्मोमेट्रिक वेल देख लो. यहाँ पे जो स्टीम गैस फ्लो होता है उसका टेम्परेचर होता है टी जी, सरफेस का टेम्परेचर टी एस, और थर्मोमीटर जो शो करेगा वो टी एल होता है. बकेट का डेप्थ लेंथ एल बोलेंगे उसको, बकेट का डायमीटर डी, बकेट का विड्थ डेल्टा. थर्मोमीटर का एरर इज इक्वल टू, और हाँ वन मोर थिंग, यहाँ पे स्मॉल डी एंड कैपिटल डी. बकेट के डायमीटर को हम स्मॉल डी बोलेंगे, पाइप के डायमीटर को हम कैपिटल डी बोलेंगे, सो डोंट गेट कन्फ्यूजिंग डी. सो टी एल माइनस टी जी अपॉन टी एस माइनस टी जी. सो थर्मोमेट्रिक एरर इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे थर्मोमेट्रिक एरर मुझे सिर्फ टी एल माइनस टी जी टी एस माइनस टी जी करके नहीं मिलेगा, मुझे किससे और भी मिल सकते हैं, वन अपॉन कॉस हाइपरबोलिक एम एल से भी मिलेगा. सो ये तीन है, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू. मेजर्ड एरर टी जी माइनस टी एल, मेजर परसेंटेज ऑफ मेजर एरर टी जी माइनस टी एल अपॉन टी जी इंटू 100. एम के दो फॉर्मूलेज थे, अंडर रूट ऑफ एच डी प्लस टू डेल्टा अपॉन के डी डेल्टा. कब यूज करोगे? जब डायमीटर गिवन होगा तो. अगर डायमीटर गिवन नहीं है तो अंडर रूट ऑफ एच अपॉन के डेल्टा. सो ये न्यूमेरिकल देखते हैं, ये भी काफी आसान है. क्वेश्चन नंबर 7. थर्मोमीटर इन अ प्रोटेक्टिव वेल, प्रोटेक्टिव वेल इज नथिंग बट थर्मोमेट्रिक वेल. सो यहीं पे आपको पता चल गया, चैप्टर पता चल गया, उसका टाइप पता चल गया. इट शोज द टेम्परेचर थर्मोमेट्रिक, देखो थर्मोमीटर शो करता है टेम्परेचर 84, मींस क्या है टीएल. फाइंड आउट एरर ऑफ एस्टिमेशन, मतलब मेजर एरर पूछा है. इफ टेम्परेचर ऑफ पाइप सरफेस, मतलब टीएस दिया है 40 डिग्री सेल्सियस, लेंथ ऑफ द वेल, लेंथ ऑफ द वेल मतलब उसका डेप्थ दिया हुआ है, एल दिया हुआ है 120 mm. थिकनेस ऑफ द वेल, थिकनेस डेल्टा दिया हुआ है 1.5 mm. थर्मल कंडक्टिविटी के भी गिवन है 55 वाट पर मीटर डिग्री केल्विन. एच जी, एच ऑफ गैसेस दिया हुआ है 223 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन. हाउ मच टेम्परेचर एरर विल डिक्रीज. गाइस यहाँ पे कहीं पे भी आपको डायमीटर दिया है क्या, सरफेस टेम्परेचर दिया है, लेंथ दिया हुआ है, थिकनेस दिया हुआ है, बट डायमीटर नहीं दिया हुआ है. तो समझ जाओ एम कहाँ से आएगा, अंडर रूट ऑफ एच अपॉन के डेल्टा से. फिर बोले हाउ मच टेम्परेचर एरर विल डिक्रीज इफ आ गया, समझ जाओ कि केस टू स्टार्ट हुआ. क्या पूछा है उन्होंने, एरर कितना डिक्रीज होगा, कितना चेंज होगा अगर इफ फॉलोइंग चेंजेस आर मेड. के चेंज हो गया, लेंथ चेंज हो गया, थिकनेस चेंज हो गया, सरफेस टेम्परेचर चेंज हो गया, मीन्स पूरा मटेरियल, पूरा बकेट का मटेरियल ही उन्होंने चेंज कर दिया. कमेंट ऑन द रिजल्ट. सो केस टू का अलग सॉल्व करना पड़ेगा और फिर आपको बताना है कि वहां पे क्या चेंज होगा, टेम्परेचर एरर कितना चेंज होगा, एरर कितना चेंज होगा. ओके सो यहाँ पे केस वन है, केस टू है. ऑल्सो डिटरमाइन थर्मोमेट्रिक एरर फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड केस एंड परसेंटेज ऑफ एरर. सो दोनों आपको निकालना है, एरर एंड परसेंटेज ऑफ एरर दोनों केसेस के लिए. सिंपल सी बात है, फॉर्मूला आपको पता है, यहाँ पे डायमीटर गिवन नहीं है, सो यू विल यूज अंडर रूट ऑफ एच अपॉन के डेल्टा. सो केस वन, सो ये एप्लीकेबल होगा, केस वन में भी वही निकालना है और केस टू में भी वही निकालना है. तो सबसे पहले केस वन के लिए सॉल्व करते हैं, अंडर रूट ऑफ एच अपॉन के डेल्टा. एच आपको केस वन में दिया था, सो एच दिया है, के दिया हुआ है, डेल्टा दिया हुआ है,
so you will get m. okay, so m आपको मिल जाएगा. नेक्स्ट आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है? आपको फाइंड आउट करना है मेजर एरर, थर्मोमेट्रिक एरर एंड परसेंटेज ऑफ मेजर एरर. सो मेजर एरर का फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो होता है वो टी जी माइनस टी एल. मेजर एरर का फॉर्मूला क्या होता है? टी जी माइनस टी एल. मुझे टी एल तो पता है, क्या मुझे टी जी पता है? तो सबसे पहले मुझे टी जी निकालना पड़ेगा. तो टी जी कहाँ से आ सकता है? तो थोड़ा सा सोचा तो देखा तो थर्मोमेट्रिक एरर का एक और फॉर्मूला है, वन अपॉन कॉस हाइपरबोलिक एम एल इज ऑल्सो इक्वल टू टी एल माइनस टी जी अपॉन टी एस माइनस टी जी. तो टी जी तो मुझे चाहिए, तो टी एल मुझे पता है, टी एस मुझे पता है. कि अगर एनी हाउ मुझे ये टर्म पता चला तो मैं आराम से क्या कर सकता हूँ? टी जी फाइंड आउट कर सकता हूँ. तो मैं फाइंड आउट करता हूँ वन अपॉन कॉस हाइपरबोलिक एम एल. एम पता है, एल पता है, यू विल गेट थर्मोमेट्रिक एरर. अगर आपको एल एच एस पता है तो राइट हैंड साइड का जो टी जी है वो आपको पता चलेगा. सो एक तीर दो निशान, वैसे थर्मोमेट्रिक एरर भी सॉल्व हो गया और टी जी भी सॉल्व हो गया. ओके, 3.89 10 टू माइनस 3 और टी जी आपको कितना मिला? 84.17 डिग्री सेल्सियस. जैसे आपको टी जी पता चल गया तो मेजर एरर टी जी माइनस टी एल कर दो, सो यू विल गेट मेजर एरर. डिवाइड बाई टी जी इंटू 100 कर दो तो यू विल गेट परसेंटेज ऑफ मेजर एरर. सेम सिचुएशन अभी यहाँ पे मटेरियल ही चेंज हुआ. देखो बकेट का मटेरियल चेंज हुआ है, क्या न्यूमेरिकल में बोला है कि अंदर का स्टीम चेंज हुआ? अंदर का स्टीम चेंज नहीं हुआ है, सो अंदर का टी जी भी चेंज नहीं होगा. सो टी जी जो फर्स्ट केस में मिलेगा वो क्या रहेगा? रिमेन सेम, क्योंकि मैंने सिर्फ पाइप का मटेरियल चेंज किया हुआ है पर स्टीम मेरे हाथ में नहीं है, वो स्टीम एज इट इज रहेगा. सो एक नया एच था, नया के था, नया डेल्टा था, सो मुझे एक नया एम मिला. ओके, फिर वापस से मुझे वही सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी थी. तो अगेन मैंने शुरुआत की, क्योंकि मुझे मेजर एरर चाहिए तो टी जी तो पता है मुझे केस वन से, क्या टी एल पता है? नहीं पता है. तो मैंने स्टार्ट किया अगेन थर्मोमेट्रिक एरर से. क्या था? टी एल माइनस टी जी अपॉन टी एस माइनस टी जी वन अपॉन कॉस हाइपरबोलिक एम एल. सो एम एल तो पता था, सो ऐसा करके मैंने क्या निकाला? दो चीज़ें मुझे मिली, एक तो एक थर्मोमेट्रिक एरर पता चल गया, वो यहाँ से पता चल गया, और यहाँ से मुझे टी एल पता चल गया. ओके, और टी जी पता है, टी एल पता है, यू विल गेट मेजर एरर, परसेंटेज ऑफ मेजर एरर. और यहाँ पे क्या चेंज हुआ? केस वन में कितना था, केस टू में कितना था, तो वो हमें कमेंट करना है. केस वन में मेजर एरर था 0.20%. ओके, और अभी के केस में कितना है? 0.011. तो ये मेरा फाइनल आंसर है. परसेंटेज ऑफ मेजर एरर रिड्यूसेस फ्रॉम 0.2 टू 0.011%. ओके, सो गाइज फॉर्मूलाज इजी है, मतलब तीन ही फॉर्मूले, उसी में आपको खेलना है बस. सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं. आई होप ये न्यूमेरिकल आपने एंजॉय किया होगा, काफी मस्त न्यूमेरिकल था. क्वेश्चन नंबर 8, टेम्परेचर ऑफ ड्राई सैचुरेटेड स्टीम फ्लोइंग इन 10 सेंटीमीटर डायमीटर ऑफ पाइप. इमेजिनेशन स्टार्ट करो. टेम्परेचर ऑफ ड्राई सैचुरेटेड स्टीम फ्लोइंग इन 10 सेंटीमीटर डायमीटर ऑफ पाइप. ओके, पाइप का डायमीटर दिया है 10 सेंटीमीटर. इट इज़ अ मेजर्ड विथ हेल्प ऑफ थर्मोमेट्रिक वेल. यहीं पे टाइप पता चल गया, मॉडल पता चल गया. मॉडल नंबर 3 फिन्स का टाइप है, केस नंबर 4 थर्मोमेट्रिक वेल. तो पाइप का डायमीटर यहाँ पे क्या होता? कैपिटल डी. फिर बोला विद द हेल्प ऑफ थर्मोमेट्रिक वेल 1.25 सेंटीमीटर इनर डायमीटर. सो ये डायमीटर किसका है? थर्मोमेट्रिक वेल का. इसको हम बोलते हैं स्मॉल डी. थिकनेस दिया हुआ है, मीन्स डेल्टा दिया हुआ है. प्रेशर गेज ऑन पाइप मेजर्स 10^5 के जी पर सेंटीमीटर. अभी मुझे जहाँ तक पता है कि यहाँ पे प्रेशर का कोई यूज नहीं है, सो एक एक्स्ट्रा डेटा है. सैचुरेटेड स्टीम टेम्परेचर अबव द प्रेशर इज 181.1 डिग्री सेल्सियस. सैचुरेटेड टेम्परेचर अबव द प्रेशर इज 181.1 डिग्री सेल्सियस. तो ये क्या दिया हुआ है? सो टेम्परेचर दिया हुआ है, टी जी दिया हुआ है. फाइंड आउट द डेप्थ ऑफ द थर्मोमेट्रिक वेल. सो आपको लेंथ फाइंड आउट करना है. इफ अलाउएबल मेजरमेंट एरर इज अ 2.5%. ओके, सो परसेंटेज दिया हुआ है 2.5,
परसेंटेज दिया है, मीन्स डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा. सो मेजर एरर दिया हुआ है. टेम्परेचर ऑफ द पाइप सरफेस, टेम्परेचर ऑफ द पाइप सरफेस मीन्स टी एस दिया हुआ है, टी जी दिया हुआ है, टी एस दिया हुआ है, एच भी दिया हुआ है, के भी दिया हुआ है. बट एच और के का यूनिट देखो, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर आर केल्विन. कन्वर्जन करना पड़ेगा. कैसे करोगे? किलो कैलोरी का कन्वर्जन किस में होगा? इंटू 4.186 और किलो का 10^3 डिवाइड बाई आर का 3600. ऐसे करके इनका कन्वर्जन करके लो. ओके, सो कैपिटल डी दिया है, स्मॉल डी दिया हुआ है, डेल्टा दिया हुआ है, पीजी दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ मेजर एरर दिया था 2.5, टीएस दिया है, एच दिया है, एच का कन्वर्जन करके लिया, के का कन्वर्जन करके लिया. फाइंड आउट क्या करना था? फाइंड आउट द डेप्थ ऑफ द थर्मोमेट्रिक वेल, मीन्स यहाँ पे मुझे फाइंड क्या करना है? एल फाइंड आउट करना है. सो फाइंड L. देखो L जो है ना आपको एनी हाउ cos hyperbolic ml से ही मिलने वाला है. तो सबसे पहले उसके लिए मुझे क्या क्या डेटा चाहिए? देखो थर्मोमेट्रिक एरर का फॉर्मूला आपके यहीं पे सामने है, तो मुझे एनी हाउ TL पता होना चाहिए, TG पता होना चाहिए, TS पता होना चाहिए, TG पता होना चाहिए, M पता होना चाहिए. तो मुझे मेरे पास एक्स्ट्रा डेटा यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है? यहाँ पे मुझे TS दिया हुआ है, TG दिया हुआ है, बट क्या मुझे TL पता है? नहीं पता है. तो मेरे लिए स्टार्टिंग कहाँ से करनी पड़ेगी? तो ये एक्स्ट्रा डेटा से, परसेंटेज ऑफ मेजर एरर. तो मेजर एरर का फॉर्मूला क्या था? टी जी माइनस टी एल अपॉन टी जी इंटू 100. ओके, सो ये वैल्यू पता है, टी जी पता है, टी जी पता है, टी एल क्या है? अननोन है. सो यू विल गेट टी एल. ओके, नेक्स्ट मुझे कॉस हाइपरबोलिक एमएल के लिए एम लगने वाला है. सो यहाँ पे डायमीटर थर्मोमेट्रिक वेल का गिवन था. सो मैंने फॉर्मूला कौन सा चूज किया? अंडर रूट ऑफ एच इन ब्रैकेट डी प्लस टू डेल्टा अपॉन के डी डेल्टा. सो एच गिवन है, डायमीटर गिवन है, थिकनेस गिवन है, के गिवन है, तो सब कुछ पता है. यू विल गेट एम. फिर अपना जो थर्मोमेट्रिक एरर का फॉर्मूला था, टी एल माइनस टी जी अपॉन टी एस माइनस टी जी वन अपॉन कॉस हाइपरबोलिक एम एल. सो ये सारे टर्म्स पता है, एम पता है, अननोन क्या है? एल. सो यू विल गेट फाइनली एल. और उसका यूनिट क्या रहेगा? मीटर में. सो गाइस प्रैक्टिस करना जरूरी है. हर बार आप सोचोगे कि ये कैल्सियम में पुट करूंगा और शिफ्ट सॉल्व करके आंसर आएगा, तो वो बेचारा कोमा में जाएगा, आंसर नहीं रहेगा. तो समटाइम्स आप इमरजेंसी के लिए प्रैक्टिस करके रखो कि मैनुअली कैसे सॉल्व होगा. Therefore, the depth of the thermometric well is 0.092 meter. Got it? So, अभी एक और interesting numerical इसके ऊपर देखते हैं. और ऐसे type के numericals आते हैं. A steel tube carries a steam. Okay? Start imagination. A steel tube carries a steam 320 degrees Celsius. A thermometer couple pocket. अभी देखो, अभी तक हमने इसके कितने नाम देखे? हमने सबसे पहले देखा thermometric well. फिर उसके बाद हमने अभी देखा इसका एक और नया नाम है थर्मोकपल पॉकेट, और तीसरा नाम था प्रोटेक्टिव वेल. सो थर्मोमेट्रिक वेल प्रोटेक्ट, उसके बाद था प्रोटेक्टिव वेल, फिर थर्मोकपल पॉकेट. ये सारे नथिंग बट सेम ही है. और किससे बनाया हुआ है? आयरन से, जिसका के दिया हुआ है 52.3 वाट पर मीटर डिग्री केल्विन विथ डायमीटर. पॉकेट का डायमीटर दिया है 15 mm, थिकनेस डेल्टा दिया हुआ है 1 mm. इट इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर. एस्टिमेट द लेंथ ऑफ द पॉकेट, आपको लेंथ एस्टिमेट करना है. इफ द थर्मोमेट्रिक एरर इज टॉलरेटेड, सो थर्मोमेट्रिक एरर ऑलरेडी गिवन है 1.5%. डायमीटर ऑफ द स्टील ट्यूब, सो कैपिटल डी दिया हुआ है 80 mm. एच स्टीम दिया हुआ है. अ ट्यूब वॉल टेम्परेचर इज 120 डिग्री सेल्सियस. ओके, वॉल का टेम्परेचर मतलब टीएस दिया हुआ है. सजेस्ट सुटेबल मेथड टू लोकेट थर्मोकपल पॉकेट. इसका मीनिंग क्या है वो न्यूमेरिकल में देखते हैं. मतलब सबसे पहले आपको उसका क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे लेंथ, और दूसरा एक सुटेबल मेथड उसको वहाँ पे लोकेट करने के लिए. सो लेट्स सी.
ओके, कैपिटल डी पाइप दिया था, बकेट का स्मॉल डी गिवन है, डेल्टा गिवन है, टीजी गिवन है, परसेंटेज ऑफ थर्मोमेट्रिक एरर गिवन था 1.5%, 10/100 किया, टीएस दिया है, एच दिया है, के दिया है, आपको एल फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे देखो स्मॉल डी भी दिया था और डेल्टा भी दिया है, तो यहाँ पे एम कहाँ से आएगा, अंडर रूट ऑफ एच डी प्लस टू डेल्टा अपॉन के डी डेल्टा। तो ऐसे करके आपको क्या फाइंड आउट करना है, एम फाइंड आउट करना है। और हमेशा आपको पता है लेंथ कहाँ से आता है, तो कॉस हाइपरबोलिक एमएल से आता है। तो थर्मोमीटर एरर तो गिवन था 1.5%, एम हमने फाइंड आउट किया, सो यू विल गेट लेंथ। बट यहाँ पे एक चीज़ देखो, लेंथ कितना मुझे मिला, 0.1089। और पाइप का डायमीटर कितना है, पाइप का डायमीटर है 80 इंटू 10^-3 मीटर। सो लेंथ ऑफ पाइप इज ऑलमोस्ट 108 mm और डायमीटर ऑफ पाइप कितना है 80 mm। सो हियर लेंथ इज अ ग्रेटर देन डायमीटर ऑफ पाइप, हेंस वी विल लोकेट द थर्मोमेट्रिक वेल इन इंक्लाइन पोजिशन। एक्चुअली ये इसमें फिट नहीं होगा क्योंकि बकेट का डेप्थ, बकेट का लेंथ वो पाइप से काफ़ी ज़्यादा है, वो सब बाहर आउटसाइड में आ सकता है अगर मैं उसको स्ट्रेट लोकेट करता। तो मैंने उसको क्या कर दिया, स्लैंटेड एज में हमने उसको लोकेट कर दिया इन इंक्लाइन पोजिशन। वी विल अज्यूम द गैप बिटवीन वेल एंड पाइप ऑफ द इज अ 10 mm। सो यहाँ पे टोटल लेंथ जो था वो 80 mm था, तो हमने वहाँ पे गैप कंसिडर किया 10 mm का। ओके, सो मुझे वहाँ पे गैप मेंटेन करना है 10 mm का, तो मुझे उसका लोकेशन फाइंड आउट करना है, मतलब उसका मुझे एंगल, क्योंकि इंक्लाइन पोजिशन में अगर मैं माउंट करता हूँ तो ही जाके वो एडजस्ट होगा, तो उसका थीटा फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे ये ट्रायंगल है, मतलब ये हमने कल से रख किया। सो इसके नीचे का 10 mm गैप है, टोटल पाइप का डायमीटर है 80 mm, तो हमने यहाँ पे कितना कल से रख किया 10 mm का गैप, तो ये कितना होगा 70 mm। ओके, नेक्स्ट लेंथ, लेंथ तो हमें पता है, लेंथ ये था और लेंथ कितना है 0.1089। ओके, सो हाइपोटेनस आपको पता है, आपको एडजेसेंट साइड पता है, सो बाय यूजिंग कॉस थीटा यू विल गेट थीटा। सो अगर 49.59 मींस 49.60 पे अगर मैं उसको एंगल देता हूँ तो ही जाके वो बकेट वहाँ पे प्रॉपरली फिट होगा। ओके, सो इसका ये फाइनल आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, टेम्परेचर ऑफ द गैस इज टू बी मेजर्ड बाय यूजिंग टू थर्मोकपल। टेम्परेचर ऑफ द गैस इज टू बी मेजर्ड बाय यूजिंग टू थर्मोकपल अटैच टू द ट्यूब हैविंग अ पेरीमीटर 50 mm एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो पेरीमीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरियाज आर गिवन 50 mm एंड 15 mm स्क्वायर। अ ट्यूब इज अ 250 mm लॉन्ग, सो लेंथ इज ऑल्सो गिवन and it is mounted vertically attached to the pipe wall. If the thermocouple attached to the tube at 125 mm from the pipe wall measures the 350 degrees Celsius, total length hai bucket ka 250 mm, usme se half 125 mm pe agar jata hu to it measures the 350 degrees Celsius. So thermocouple hai wo temperature sense karta hai 350 degrees Celsius. While the thermocouple attach at a distance 250 mm, अगर मैं पूरे लेंथ नीचे डेप्थ L तक जाता हूँ तो मुझे टेम्परेचर मिलता है 390 degrees Celsius. सो हाफ लेंथ पे 350 मिलता है, फुल लेंथ पे 390 degrees Celsius. एस्टिमेट गैस टेम्परेचर फ्लोइंग अराउंड द ट्यूब, सो मुझे फाइंड आउट करना है टी जी एंड टेम्परेचर ऑफ द पाइप वॉल मीन्स टी एस, टी जी एंड टी एस फाइंड आउट करना है। Take H is equal to 1.2 watt per meter square Kelvin and K is equal to 25 watt per meter degree Kelvin. Neglect the heat transfer from the tip of the blade. So यहाँ से क्लिक हो गया मॉड्यूल और टाइप, टिप वहाँ से हीट ट्रांसफर को क्या करना है, neglect करना है. So it is a type of finite length and insulated tip. Okay, so diagram से आपको clearly पता चलेगा
कि वहाँ पे थर्मोकपल है, थर्मोकपल सॉरी थर्मोमेट्रिक वेल है, हाफ में मुझे T1 मिलेगा, नेक्स्ट पे मैं फुल लेंथ पे मुझे T2 मिलेगा। सो पेरीमीटर गिवन है, क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है। ओके हाफ मतलब x इज इक्वल टू एल बाई टू, तो 0.125 मीटर, तो मुझे मिलता है T1। फुल लेंथ जाता हूँ तो X2 मिलता है, X2 इज नथिंग बट L, वो कितना 0.25 मीटर पे मुझे मिलेगा T2। H दिया है, K दिया हुआ है, सो फटाफट मैंने P पता था, AC पता था, जो अंडर रूट ऑफ HP अपॉन KAC करके मैंने M फाइंड आउट कर लिया। ओके और यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट आपको क्या करना है, TS फाइंड आउट करना है, TG फाइंड आउट करना है। सो दिस इज द केस ऑफ फाइनाइट लेंथ एंड इंसुलेटेड ट्यूब। बहुत सारे टेम्परेचर दिख रहे हैं, सो मैंने टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन का इक्वेशन का फॉर्मूला यूज किया। सबसे पहले बात करते हैं T1 की। सी T1 T2 दोनों एट अ टाइम मैं यूज नहीं कर सकता। अगर मैं डिस्टेंस लेता हूँ x, यहाँ पे देखा डायग्राम में हाफ पे जाता हूँ, तो अगर मैं x इज इक्वल टू एल बाई टू लेता हूँ तो मुझे मिलेगा T1, और सेम फॉर्मूला आपको यूज करना है एट x इज इक्वल टू एल, तो यू विल गेट T2। तो सबसे पहले केस वन देखते हैं T1। सो T1 माइनस TG अपॉन TS माइनस TG, ये तो अननोन ही है, कॉस हाइपरबोलिक एम एल माइनस एक्स। सो एल भी गिवन है, एक्स हाफ लेंथ 0.125 भी पता है, कॉस हाइपरबोलिक एम एल। सो आपको यहाँ पे इक्वेशन के फॉर्म में मिलेगा। ओके सेम अभी आपको क्या करना है, एक्स इज इक्वल टू एल और टी इज इक्वल टू T2 लेना है, 390 और यहाँ पे एल। सो अगेन आपको एक नया इक्वेशन मिलेगा, अगेन वो इक्वेशन कैसे फॉर्म में है, TS और TG के फॉर्म में है। सो अभी फिलहाल अभी आपको क्या करना है, कैलसी की हेल्प लेनी है, इक्वेशन में पुट करो और आपको क्या मिलेगा, TS और TG, क्योंकि वो दो अननोन थे, दो इक्वेशन थे। सो TS मिलेगा, TG मिलेगा, गॉट इट। ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं, फाइन। अभी लास्ट न्यूमेरिकल जो कि मैंने बोला था काफी रेयरली आता है, इसका फॉर्मूला कॉम्प्लिकेटेड है, अदरवाइज ये न्यूमेरिकल काफी आसान है, अगर इसकी प्रैक्टिस होती है तो पक्का करना। क्या बोला है, ए आयरन रॉड ऑफ 15 mm डायमीटर, आयरन का रॉड है जिसका डायमीटर 15 mm, लेंथ कितना है 50 सेंटीमीटर, इट इज अ कनेक्टेड बिटवीन टू वॉल्स। तो आपको क्लिक होना चाहिए मेरा डायग्राम कैसे है, रहेगा लाइक दिस, टू वॉल्स के बीच में रॉड है जिसका टेम्परेचर T1, इसका टेम्परेचर T2। फिर क्या बोला है, रॉड इज सराउंडेड बाय एटमोस्फेरिक एयर, अज्यूम यूजुअल वैल्यू ऑफ एम्बियंट एयर। ओके सो यूजुअल वैल्यू ऑफ एम्बियंट एयर, तो एम्बियंट का टेम्परेचर हम कितना लेते हैं, अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस, कोई बच्चा 20 लेता है तो भी ओके, बट वहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट एच एयर 17.5 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, डिटरमाइन हीट ट्रांसफर थ्रू द रॉड। सो क्यू फाइंड आउट करना है, और टेम्परेचर एट मिडवे, मिडवे आया तो समझ जाओ एक्स इज इक्वल टू एल बाई टू, और आपको के दिया हुआ है, गॉट इट। सो ये भी न्यूमेरिकल आसान है। सो ये डायग्राम हमने ड्रॉ किया, T1 T2 रॉड लेंथ। सो T1 दिया है, TA हमने 25 लिया, T2 तो उन्होंने गिवन था, तो यहाँ पे मुझे निकालना क्या है, क्यू निकालना है। तो क्यू का फॉर्मूला फॉर दिस केस क्या था, अंडर रूट ऑफ HP कैसे। सो एच तो गिवन था, पैरामीटर हमें निकालना है, कितना आएगा पैरामीटर, पाईडी आएगा, AC कितना आएगा, पाई बाय 4 D² आएगा, θ1 + θ2। तो θ1 θ2 होता क्या, T1 - TA, T2 - TA। सो ये सारे टेम्परेचर सबको पता है, सो यू विल गेट θ1 एंड θ2। सो यहाँ पे पुट करो, कॉस हाइपरबोलिक ML, M अंडर रूट ऑफ HP के AC करके निकाला, लेंथ उन्होंने गिवन था 15 × 10⁻²⁻ मीटर, साइन हाइपरबोलिक ML, सो सब कुछ पता है, यू विल गेट क्यू। नेक्स्ट टेम्परेचर आपको निकालना एट मिडवे, सो टेम्परेचर का फॉर्मूला मैंने लिख दिया, और x इज इक्वल टू क्या करना गया, एल बाई टू, क्योंकि मिडवे है। अगेन सारी वैल्यूज आपको पता है, आराम से सॉल्व करो, टेम्परेचर फाइंड आउट करो। ओके गाइज, सो यहाँ पे मॉड्यूल नंबर 3 का फिन्स का पार्ट खत्म होता है। अभी तक हमने 4 टाइप के न्यूमेरिकल्स देखे हैं, न्यूमेरिकल सही में आसान है, बट आपको दो चीज़ें परफेक्ट करनी है, एक तो आपको फॉर्मूला की प्रैक्टिस कर करके, उसकी प्रैक्टिस कर करके आपको क्या करना है, परफेक्ट करना है, और एग्ज़ाम के दिन मॉर्निंग में आपको नया कुछ भी नहीं करना है, मैं तो बोलूँगा सिर्फ फॉर्मूला लिस्ट बाहर करो, समझो और एक बार लिख के प्रैक्टिस करो, और जब भी आपको आंसर शीट मिलेगा तो प्लीज़ क्वेश्चन पेपर से पहले पॉसिबल हुआ तो टीचर की परमिशन लेके, अदरवाइज टीचर को बिना
अगर वो परमिशन नहीं दे रहे, स्ट्रिक्ट है, तो एक काम करो, लास्ट के पेज नहीं, लास्ट टू सेकेंड लास्ट पेज में आप वहाँ पे चुपचाप से फॉर्मूला लिख दो, जो कि आपको लगता है कि ये कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है, हो सकता है कि यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो जाऊँ। सो क्वेश्चन पेपर देख के बीपी लो हो जाए, हाई हो जाए, इससे बेटर है कि शांति से आप सारे फॉर्मूलाज लिखोगे, ठंडे दिमाग से न्यूमेरिकल को आइडेंटिफाई करते हो, सबसे पहले चैप्टर आइडेंटिफाई करते हो, टाइप्स आइडेंटिफाई करते हो, तो आपको न्यूमेरिकल्स पक्का, वहाँ पे आपको सिर्फ क्या करना है, पिकअप एंड ड्रॉप करना है, फॉर्मूला को उठाओ, वैल्यूज पुट करो, आंसर निकालो। ओके, सो हैव अ नाइस डे, टेक केयर। इसके बाद का जो मॉडल होगा वो अपना रहेगा अनस्टडी स्टेट हीट ट्रांसफर, नाम में ही अनस्टडी, अनस्टडी मीन्स विच चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो वहाँ पे जो प्रॉपर्टीज है, जो वैल्यूज है, वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होती है, चेंज होती है। अभी तक कि हमने न्यूमेरिकल्स में टाइम को फैक्टर को कंसिडर ही नहीं किया, बट अभी जो टाइम का फैक्टर आएगा उसको हम कंसिडर करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।